पुलिस से बचने के लिए वे पैसों से भरे ट्रक को सीधे रेगिस्तान के नीचे ले चले जाते हैं। फिर उन्होंने निशानों को छुपाना शुरू कर दिया। उन्होंने गड्ढे को छुपाने के लिए स्टील की शीट डाल दी ताकि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके। फिर उसकी सतह पर रेत को चिकना करने के लिए वे एक हेलीकॉप्टर भी लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही योजना सफल होने वाली थी तभी दूर से एक कार आते दिखाई देती है। लुटेरों को पोल खुलने का डर था, इसलिए उन्होंने उस बदकिस्मत आदमी को तुरंत स्वर्ग भेज दिया। वो आदमी सचमुच बदकिस्मत था। जैसे ही वे शव को ठिकाने लगाने वाले थे तभी दोबारा हादसा हो गया, क्योंकि अब एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ये देखकर जैक बहुत घबरा गया। फिर वो बदकिस्मत आदमी की कार में चढ़ गया और दिखावा किया कि वो धूप से रहा है। जब पुलिस की कार ने उसे देखा तो उसने कार रोक दी और उससे सवाल पूछने लगते हैं। फिर उसने जैक को इंजन बंद करने और कार से बाहर निकलने का आदेश दिया। जैक ने भी उसकी बात मान ली। वो शांति से गाड़ी से उतर जाता है, जिसके बाद पुलिस उसकी जांच करने लगते हैं, लेकिन पुलिस यह नहीं बता सकती कि वो डकैती में शामिल है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि रेगिस्तान में धूप सेंकने वाले और लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 10 मिनट से भी कम समय में पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। उन्होंने उस स्थान 3 दिन और 3 रातों तक खोज की, लेकिन उन्हें ट्रक का कोई पता नहीं चल सका। एक शब्द में कहें तो कार इस दुनिया से गायब हो गई थी। दूसरी ओर जैक को पुलिस ने रिहा कर दिया, क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वो एक संदिग्ध है।